जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर कंपनी के बारे में। रिलायंस पावर यानी कि यार पावर कंपनी अनिल अंबानी की कंपनी, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जिसका अच्छा प्रभाव आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर प्राइस पर देखा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से बेहतर प्रयास गवर्नमेंट ने किए हैं जिसका फ़ायदा हमें एज ए इन्वेस्टर्स या अगर कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे मिल सकता है। सीधे चलते हैं बोर्ड पर, सारी बात हम लोग वहीं समझेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो रिलायंस पावर कंपनी है, यह वर्तमान में कोल, गैस, हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट जिससे पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इन क्षेत्रों में कंपनी काम करती है। और इसके अलावा यह रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी काम करती है, यानी कि वाइन टर्बाइन से और सोलर पैनल से बिजली बनाती है। और अगर इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लें जिससे बिजली बनाती है, तो लगभग इसकी टोटल जो कैपेसिटी होती है बिजली बनाने की वो 6000 मेगावाट के आसपास है, जो कि जिस मार्केट कैप की कंपनी है उसके लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, इसका मार्केट कैप है 4062 करोड़ रुपया, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो कल का शेयर प्राइस है 13.60 रुपया है। कल जब बाज़ार बंद हुआ तो इसी प्राइस पर इसने अपना क्लोजिंग दिया। और कल के दिन हम लोग जानते हैं कि मार्केट तेज़ी से डाउन जा रहा था, कल मैक्सिमम शेयर्स NSE के रेड निशान पर बंद हुए हैं। तो यह तो छोटी सी कंपनी है, तो इसमें भी कुछ खास तेज़ी बनना मुश्किल था। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं आया, आप देखेंगे तो सिर्फ 2.51% का गिरावट देखने को मिला है। हालांकि अगर एक सप्ताह में देखेंगे तो 6% स्टॉक चढ़ा भी है। और अगर पिछले एक माह की बात करें तो पिछले एक माह में इस स्टॉक ने 10% की तेजी दिखाई है, तो ये काफी शानदार है। जब आप इस कंपनी का ग्राफ देखेंगे, यानी कि इसका चार्ट पैटर्न, तो उसमें आप पाएंगे कि इसका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ज्यादा अप एंड डाउन ट्रेंड वाला रहा है। यानी कि एक बार जब इस कंपनी का शेयर प्राइस चढ़ना शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि लगातार चढ़ते रहता है, या अगर डाउन होना शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार डाउन ही होता रहता है। इसका एक अच्छा बेनिफिट यह भी है कि मान लीजिए अगर आप ऊपरी लेवल पर बाई करके फंस जाते हैं, वहाँ से प्राइस नीचे आने लगता है, तो आपको ज़्यादा सोचने या चिंता करने की बात नहीं होती, क्योंकि अप एंड डाउन ट्रेंड वाला जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ ही दिन बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो फिर वहाँ पर आप निकल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं। गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत बेहतर काम भी कर रही है। गवर्नमेंट का एम है 2030 तक भारत में जितने भी बिजली प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो हाइड्रो थर्मल प्लांट से हो या हाइड्रो पावर प्लांट से हो या थर्मल पावर प्लांट से हो या रिन्यूएबल एनर्जी से हो, उनमें सबसे ज़्यादा बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्राप्त किए जाएँ। क्योंकि हम जानते हैं जो थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा की जाती है, यानी कि कोयले से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वातावरण हमारा प्रदूषित होता है। जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है उसमें कोई वातावरण प्रदूषित नहीं होता है और उसमें कॉस्ट भी कम लगता है। इसलिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए समय समय पर बेहतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है शुरू से ही। इस बार गवर्नमेंट ने एक ओपन एक्सेस रूल बनाने की बात कही है, जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले, रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, वो रॉ मटेरियल्स कहीं से भी खरीद पाएंगी, कहीं भी बेच पाएंगी। ये इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनके लिए एक बेहतर प्रयास है। और दूसरा बात, गवर्नमेंट ने बैंकों से कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनियां लोन लेने आती हैं उनको लोन देने में कोताही न की जाए, समय पर उनको लोन दे दिया जाए, या जिन कंपनी को पहले से लोन दिया जाए तो उन्हें लोन चुकाने के लिए बाध्य न किया जाए। तो यह भी एक अच्छा बात है और इससे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को बूस्ट करने के लिए अच्छा काम कर रही है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि जब गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इतना उत्साहित है तो क्या वो थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं या हाइड्रो पावर प्लांट से, उनको बंद करने पर विचार कर रही है? इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट को या हाइड्रो पावर प्लांट को फिलहाल बंद करने की योजना नहीं बना रही है और ये मुमकिन भी नहीं है कि अचानक से बंद कर दे। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी आप देखेंगे तो 10 थर्मल पावर प्लांट को इसी वित्तीय वर्ष में 2022-23 में और नया 10 थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात कही है और उसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। इससे लगता है कि गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट को अभी फिलहाल बंद करने नहीं जा रही है। गर्मी के दिन में जो हाल फिलहाल के दिनों में समस्या देखा गया है बार बार कोल शॉर्टेज का, यानी कि कोयले की कमी के चलते बिजली कट जा रही है, तो गवर्नमेंट ने इस समस्या का भी निदान कर दिया है। इसने 2.4 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया है विदेशों से, इंपोर्ट करने की बात कही है, इससे कोल शॉर्टेज की भी समस्या नहीं रहेगी। यानी कि यह कंपनी आप देखेंगे तो कोयला क्षेत्र में भी कारोबार करती है, तो इस तरह की जो कंपनी के पास कोयले की भरमार रहेगी तो कंपनियां खुलकर अपना काम करेंगी। क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है इस कंपनी का, उसमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट जो क्वार्टर 3 में था -14 करोड़, यानी कि लॉस में था, वो लॉस और बढ़कर 555 करोड़ का हो गया है। इसके ऊपर कर्जा भी देखेंगे तो लगभग 23,114 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर से इस बार इस कंपनी को कर्ज
कम हुआ है, यानी कि कर्जा कंपनी ने कम किया है। तो ये बेहतर बात है कि कंपनी कर्जे को कम करते हुए दिख रही है। अब अगर इसमें होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी में प्रमोटर्स, विदेशी निवेशक यानी कि FII, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि DII और पब्लिक, सबकी हिस्सेदारी है। और जिस कंपनी में इस चारों की हिस्सेदारी बेसिकली FII और DII की हिस्सेदारी रहे उसको खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके पास बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, दिमाग वाले लोग होते हैं, ये वहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां डूबने का, नुकसान होने का डर नहीं हो। तो जब इतने बड़े बड़े विदेशी निवेशक और हमारे देश के इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं तो हम क्यों डरें, हमें बेहतर ये होगा कि इसमें समय दें। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर अगर आप बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।